हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 13, लेजर, पार्ट नंबर 3। लेजर क्लेशन के बारे में मीनिंग आपको पता लग गया है कि क्या होते लेजर। दो पार्ट्स हमने बता दिया, एक में मीनिंग गया था, सेकंड में एक इलस्ट्रेशन गया था। आज हम इलेशन नंबर थर्ड ले रहे हैं। देखिए, अगर जिसको ये सेकंड और थर्ड समझ में आ गया, आई होप दैट लेजर का पूरा लेसन कंप्लीटेड है। सारे वही क्वेश्चन हैं। और इस लेसन की एक खासियत और है, विदाउट ए जर्नल, जर्नल लेसन के बिना आप लेज़र का लेसन नहीं कर सकते। तो जर्नल वाला लेसन नंबर 9 था। 9 आपने बहुत अच्छे तरह किया। अगर किसी स्टूडेंट का जर्नल का 9th में कहीं नहीं किया हो तो प्लीज़ वो इस इलस्ट्रेशन को ज़रूर देखें, जिससे कि इस लेसन के बारे में काफ़ी कुछ जान सकता है। तो देखिए, जर्नल का लेसन में क्या होता है, व्हाट इज़ अ जर्नलिज्म एंट्री, क्योंकि जर्नल के बिना लेज़र बनते नहीं। जर्नल से जर्नलाइजिंग होता है, लेज़र से पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले जर्नल की एंट्री होगी, उसके बाद ही लेज़र मेंटेन होता है। तो देखिए, जर्नल की एंट्री का क्या फॉर्मेट होता है। हे द डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, दिस साइड द डेबिट इन रुपीस एंड दिस साइड द क्रेडिट इन रुपीस। 1 अप्रैल को सबसे पहले ओपनिंग एंट्री करनी है। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है, हमने कहा कि हमारी डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होती है, तो जितने भी डेबिट बैलेंस हो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट है क्रेडिट में, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारी कैपिटल आएगी। तो देखिए, ओपनिंग एंट्री के अंदर कैपिटल कैसे आ रही है, आपको जितने भी डेबिट वर्ड लिखा है वो तो यहाँ लिखेंगे। जैसे कैश का, कैश अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट आल्सो डेबिट, उसके बाद कैश बैंक BR स्टॉक राहुल हिमांशु, BR स्टॉक हिमांशु BR स्टॉक हिमांशु और राहुल, इनमें अकाउंट नहीं लगे क्योंकि खुद अकाउंट है, नाम जहाँ होता है, इनके डेबिट बैलेंस सारे लिख दो, 6,000, 12,000, 7,000, 5,400, 6,000, 12,000, 7,000, 5,400। हिमांशु का दे रखे 10,000 और राहुल का 9,700। ये थे डेबिट। 2, क्रेडिटर में क्या था, 2 कैंडिडेट दे रखे थे, रमेश और BP, 2 रमेश, 2 BP अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। रमेश में दे रखा था 3,000 और 2,000, अब नोट करना, ये रमेश, ये BP, इसका जोड़ कर लेना, इसका जोड़ आ रहा 47,100, 5,000 घटा देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 42,100 आपकी कैपिटल, 45,100 सॉरी, इसका जोड़ आ रहा 50,100, 7,4,11,1,7,2,9,16,5,21,21,9,30,3,1,4,5, इसका जोड़ आया था 50,100, 50,100 में 5 घटा देंगे तो 45,100 क्या आ जाएगी आपकी। तो दिस इज़ योर ओपनिंग एंट्री।
डेबिट के डेबिट में डाल दिए, क्रेडिट के क्रेडिट में, बैलेंस फिगर कैपिटल आ गई। तो ओपनिंग एंट्री समझ में आ गई। उसके बाद 1, 2, 3, 4 जो भी क्रम से लेन देन हुआ है, ये 1 अप्रैल 2017 को हुआ था ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग का मतलब होता है पिछले साल का बैलेंस है ये जो आपने उतारा है, ये सारे डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है। उसके बाद नेक्स्ट सारी जनरल एंट्री वही लेसन नंबर 9 वाली। लो भी बारी बारी से, गुड सोल्ड टू मनीष, मनीष को माल बेचा, तो भैया मनीष को बेचा, डेबिट द रिसीवर, रूल वही होंगे, मनीष डेबिट टू सेल अकाउंट। मैंने कहा सेल क्रेडिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है। कितने का माल बेचा? 3,000 का, 3,000। जिन्होंने जनरल लगा नहीं किया लेसन, डियर स्टूडेंट्स, वो ध्यान से देख ले इस लेसन को। मनीष के बाद आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। नंबर 2, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे भी खरीदा, टू रमेश। कितने का माल खरीदा? 8,000 का, तो 8,000 रुपये। उसके बाद नंबर 3, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट। राहुल से रुपए कितने मांग रहे थे हम? राहुल से रुपए मांग रहे 9,700, और उसने रुपए कितने दिए हमारे? 9,200। तो देखो एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट मेरी जेब में आए 9,200, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, कितना करा? 500, क्योंकि राहुल से रुपए जो मांग रहे थे हम मांग रहे थे 9,700। कहाँ से पता लग गया? बैलेंस में लिखा हुआ है राहुल ऊपर ही ऊपर ओपनिंग एंट्री में। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिमांशु ऑन एक अकाउंट, 4,000 रुपये मिले, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। हिमांशु से हम 10,000 मांगते, उसने 4 दिया, इसमें 6,000 का डिस्काउंट नहीं होता, ये तो अमाउंट इतना दे रहा है। यहाँ हो रहा है वर्ड फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब अब इसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो 4 दे रहा है, 6 बाद में देगा। उसके बाद नेक्स्ट, पेड रमेश बाय चेक, रमेश का भुगतान किया चेक से, तो रमेश लेने वाला, तो रमेश ले रहा है तो डेबिट द रिसीवर, और किससे दे रहे हो आप पैसा? चेक से, तो रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने चेक से पेमेंट कर दी रमेश की। हाउ मैनी अमाउंट? 6 तारीख को 6,000 रुपये का चेक काट के दे दिया आपने, जब 6,000 आपके जेब से गया, चेक काट के दे दिया। उसके बाद 8 तारीख को रेंट पेड बाय चेक, सेम एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8 तारीख को रेंट कितना किराया दे दिया आपने? 1,200 रुपये। नेक्स्ट क्या आ रहा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, मनीष से रुपए मिले, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष। कितना मिल रहा है मनीष से आपको? हमें मिल रहा है 3,000 रुपीज। डियर स्टूडेंट, सेम जर्नलिज्म लेसन है, जर्नल की जो एंट्री कर रखी है सेम वो की वो है। उसके बाद हमने मनीष के बाद है कैश सेल, नगद माल बेचा, कितने का? 6,000 का, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 6,000। चलो जी नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है हमारे पर्चे रिटर्न कर दी रमेश को, कितने की? 1,000 रुपये की, तो रमेश लेने वाला था, रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न,
पर्चे रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कितने की पर्चे रिटर्न होगी आपकी? 1000 रुपये की। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, रमेश को आपने पेमेंट कर दी 4000 के, 3700 दिए। तो देखिए, रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, वो रुपए 4 मांगता था, आपने पेमेंट 3700 की, तो आपको फायदा कितना होगा? 300 रुपये का होगा। उसके बाद आ रहा है खुशी को हमने माल बेचा 10000 रुपये का। तो एंट्री है खुशी डेबिट अकाउंट, नहीं लिखना वर्ड, टू सेल अकाउंट, कितने का बेचा? 10000 का। खुशी के बाद है एक्सपेंसेस हुए ट्रेड 200 रुपये के। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हुए? 200 रुपये के। तो एंट्री ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपकी जेब से कितना गया? 200 रुपये का। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद है मालिक ने रुपए निकाले 1000 रुपये। ड्रॉइंग्स, जब मालिक निकालता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसने 1000 रुपये विड्रॉन कर लिए, तो फर्म से गए 1000 रुपये। उसके बाद आ रहा है सेल्स रिटर्न, हमने माल वापस आ गया हमारा, कितना किससे आया? कुशाल से, कितने का? 1200 का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कस्टमर वापस कर गया टू कुशाल, 1200 रुपये का माल उसने हमारा वापस कर दिया कि उसको पसंद नहीं आया। सेल्स रिटर्न के बाद आ रहा है आपको कुशाल से क्या मिला? 6000 मिले। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कुशाल, नगद मिले तो कैश और चेक मिले तो बैंक और सेम डे डिपॉजिट होना चाहिए। 6000 रुपये आपको कुशाल से मिले। चलो जी, उसके बाद और एंट्रियाँ, जितनी जर्नलिज्म में एंट्रियाँ करते रहेंगे और कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का रूल अपनाते रहना जो जर्नल में मैंने बताया था। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है? स्टेशनरी खर्चा हुआ आपका 100 रुपये, पोस्टेज हुआ, सैलरी हुई, इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो लेकिन अलग अलग हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी के बाद कहता है खर्चा हुआ था आपका पोस्टेज का और सैलरी का, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर सेम डे होने की तो एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो आप इसकी। स्टेशनरी हुई कितने की? 100 की, 60 की और 2500 की। स्टेशनरी 100 रुपया खर्च हुआ, पोस्टेज के 60 हुए और सैलरी के अमाउंट है 2500 रुपये। उसके बाद सैलरी के बाद आपको परचेज शीतल ट्रेडर से माल खरीदा 4000 का। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स 7000 रुपये का। देखिए, ये एंट्री मैं जो कर रहा हूँ ये पहले ऑलरेडी हो चुकी है लेसन नंबर 9 में। कीर्ति से माल बेचा कितने का? 6000 का। डेबिट द रिसीवर, लेने वाली कीर्ति है। तो एंट्री होगी कीर्ति डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का बेचा हमने कीर्ति को माल? हमने बेचा 6000 का। उसके बाद कीर्ति को माल बेचने के बाद लास्ट एंट्री है, हमने माल खरीदा हरिष्ट हांडा ट्रेडर से, कितने का? 5000 का। तो लास्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स 5000 रुपये। सारी एंट्री का आप अब जोड़ कर लेंगे, जोड़ बराबर बराबर, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो इक्वल है। 135060, 135060, 135060। तो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ तक का टॉपिक तो लेसन नंबर 9 का था। लेसन का चल क्या रहा है? कंसेप्ट चल रहा है लेजर।
और लेजर में होते पोस्टिंग। देखिए सर, बहुत से अकाउंट बन रहे हैं, लेकिन मैं दो तीन अकाउंट ही आपको समझाऊंगा। अगर ये समझ में आ गए तो आप सारे इजीली अकाउंट है, मेन मेन अकाउंट बताऊंगा मैं क्या क्या। नंबर एक, एक में कैश का, एक बैंक का, एक कैपिटल का, एक परचेज का और एक सेल का। ये पांच अकाउंट में आपको समझ, ये अगर आ गए तो आप जितने भी नाम के अकाउंट बन रहे हैं सबको आप इजी कर सकते हो। समझो ध्यान से कैसे बनते हैं कैश अकाउंट, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ये लिखा आपने लेजर, डेट पर्टिकुलर जेएफ और ये अमाउंट, डेट डाल दिया पर्टिकुलर, उसके बाद जेएफ और ये अमाउंट। ये डेट लिखी, ये पर्टिकुलर्स, ये जनरल पोरियो नंबर, ये अमाउंट, सेम डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड अमाउंट, ये साइड डेबिट, ये क्रेडिट, ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट। समझो अब कैसे बनता है। ओपनिंग एंट्री में जो बैलेंस था उठा कर लिख लो, टू बैलेंस बीडी उतार लिया, उसका बैलेंस क्या था। कैश का ओपनिंग बैलेंस आ रहा था 6,000 रुपये, तो 6 यहाँ लिख लिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है, समझो आसानी से। आपने वो एंट्री पकड़नी है जो जर्नल में जिसके सामने कैश लिखा हो। कैश दो जगह मिलेगा, तो डेबिट मिलेगा या क्रेडिट में मिलेगा, नोटेड कर लेना। अगर एंट्री की शुरुआत ऐसे हो रही है, सुनो ध्यान से, जैसे 3 तारीख को आपने एंट्री देखी, एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू राहुल, तो कैश के सामने वर्ड पकड़ो क्या है, टू। टू हो तो आपने इधर लिखना है, और जब कुछ भी ना लिखा हो ना कैश के सामने, तो बाई आप इधर अपनी तरफ से। फिर सुन लो मेरी स्टेटमेंट, आपने जो भी अकाउंट पकड़ते हैं, जैसे कैश का पकड़ा आपने, कैश के सामने टू आ रहा है, तो वो अमाउंट जो यहाँ है वो उठा के यहाँ लिख दो। और अगर कैश आपका यहाँ जा रहा है तो आपने वर्ड यूज करने हैं बाई, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितना अमाउंट है 9200, टू राहुल 9200। अब कैश कैश के सामने वाले सारे अमाउंट उठा लो, उसके बाद जैसे 5 को 2 हिमांशु 4000, टू वाले हमेशा इधर लिखना, जो जो आपको मिलता जा रहा है, मनीष से मिला, सेल से मिला, कुशाल से मिला, 3000 6000 6000, टू मनीष टू कुशाल 3000 6000, और आपको मिला सेल का नगद, सेल एंड कुशाल, तो ये तो रुपए आपके पास आए। अब हमारे गए भी है ना, जैसे फिर एक एंट्री समझाता हूँ आपका, आपने कैश कहाँ दे रखा है, देखो नीचे कैश, तो आपकी एंट्री में आ रहा है, ध्यान देना, 15 अप्रैल को एक एंट्री हुई थी रमेश टू कैश। अब देखो कैश के सामने कुछ भी वर्ड नहीं आ रहा, तो अपनी तरफ से क्या लिख रहा है, बाई रमेश। रमेश को कितना रुपया दे दिया आपने, 3700। अब क्लियर हो गया, जहां कैश ऊपर हो तो टू में आएगा वर्ड यूज, उसके सामने वाला, कैश नीचे हो तो उसके सामने वाला बाई लिख के यहां पे। और क्या समझाना, समझ में आ गया होगा। और आपने जो भी दिए, जैसे ट्रेड एक्सपेंसेस के जो पेमेंट हुई, उसके बाद आपने ड्राइंग स्टेशनरी पोस्टेज सैलरी, ड्राइंग का पैसा गया, स्टेशनरी का गया, पोस्टेज का गया, सैलरी का गया, और लास्ट में आपका हमने बैलेंस निकालने हैं, गया 200 रुपये, तो ये गए 1000, ये गए। स्टेशनरी के कितने थे, स्टेशनरी का रुपया था 160, ये गए। और सैलरी आपकी कितने की, 2500। ये साइड ज़्यादा होगी, इसका जोड़ कर देना। देखो बैलेंस कैसे निकालते हैं,
ये साइड जब जोड़ किया तो ये आ रहा है 34,200। ध्यान देना, इस जोड़ में से ये घटा देंगे, घटाते समय यहां पर लिखना है बाई बैलेंस सीडी, इसका जोड़ करके इसमें से घटा देना और वो आ रहा है आपका 26,640। 34,200 तो ये जो बैलेंस हुआ ये अगले साल का बन जाता है टू बैलेंस बीडी। एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना डी स्टूडेंट्स, जो साइड ज्यादा होगी वही बैलेंस कहलाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी मैंने कहा था हम आपको सुनाएंगे कैश का, बैंक का, कैपिटल का, परचेज का और सेल का। डियर स्टूडेंट, अगर कैश अकाउंट आपको समझ में आएगा तो मैं कहता हूँ ये सारे अकाउंट आपके हाथ में है, मुट्ठी में है। मैं कैश को एक बार फिर फोकस करता हूँ, अगर कोई कंसेप्ट आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप व्हाट्सएप नंबर से या आप जो आपकी लाइव क्लास है उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ध्यान से देखना, फिर मैंने अभी कहा कैश, बैंक, कैपिटल, ये परचेज सेल नेसेसरी अकाउंट है, बाकी तो छोटे छोटे अकाउंट है जिसको आप टू और बाई से ख़त्म कर देंगे। इस अकाउंट को अगर आप समझ रहे हो तो ईजिली आप बैंक भी बना सकते हो, कैपिटल भी, परचेज भी, सेल भी, रमेश भी, हांडा ब्रदर्स भी, जो भी नाम आ रहे बी आर का, स्टोक का, राहुल का, मैं नाम बता देता हूँ सबके अकाउंट बनेंगे। हिमांशु का बनेगा, रमेश का बनेगा, आपका बीपी का बनेगा, कैपिटल का, मनीष का, सेल अकाउंट है आपका, परचेज अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड है, रेंट अकाउंट है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कुशाल का है, ट्रेड का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बैलेंस मत शो करना, इनको बैलेंस जोड़ मत करना, अपने आप ही ऑटोमेटिक उनके बैलेंस होते हैं। बाकी सभी में टू बैलेंस सीडी और बाई बैलेंस बीडी का खेल हो जाएगा जो भी अमाउंट होगा। केवल आपने एक विशेष ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है उनमें से कोई बैलेंस शो नहीं करना है। नोटेड, फिर बता देता हूँ आपको, जोड़ को बराबर बराबर नहीं करना है, इन पे परचेज को जोड़ मत करना, मतलब परचेज में जो भी अमाउंट आ रहा है वो सारा लिख देंगे, सेल में भी नहीं लिखना है टू बैलेंस सीडी वगैरह, परचेज रिटर्न में नहीं लिखना, सेल्स रिटर्न नहीं लिखना, ऑल एक्सपेंसेस में नहीं लिखना और ऑल इनकम में नहीं लिखना। मीन्स इनके कोई बैलेंस शो करने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, इनकम। और कोई भी मैंने कहा आपका डाउट हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं। कैश अकाउंट को आप अच्छी तरह समझ में आ गए, एक एंट्री एक बार फिर मैं लेकर बता देता हूँ कि स्टूडेंट को डाउट होते हैं। जैसे ये है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर कितने अकाउंट बनेंगे, एक तो कैश का और एक सेल का। कैश का इजी बन गया, कैश अकाउंट यहाँ लिखा तो कैश के सामने है क्या टू, तो टू तो इधर ही आता है, टू सेल अकाउंट बन गया अकाउंट। यहाँ सेल का अगर बना रहे हो आप तो सेल के सामने वाले को पकड़ो कि पकड़ा कैश था, कैश के सामने कुछ वर्ड नहीं लिख रहा तो अपनी तरफ से क्या लगा देना बाई, और बाई हमेशा होता है इधर, यहाँ लिखेंगे बाई कैश। और जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आता है। ये चीज़ समझ में आ गई तो लेजर के सारे क्वेश्चन सोल्व हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप सेकेंड इलस्ट्रेशन जो बताया मैंने उसको और एक्सरसाइज में बहुत आसानी से करेंगे। आपका होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर टू को कम्प्लीटली आपने करना है। मैंने इसको हाफ इसलिए छोड़ा है आपके लिए, प्रैक्टिस नोटबुक एक्सरसाइज आल्सो इन द 1-2 इन द फेयर नोटबुक। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9416586639 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है या गूगल मीट लाइव क्लासेस में अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।